इस वक्त की बड़ी खबर केरल से आ रही है, जहां मॉक पोल में बीजेपी को ईवीएम से ज्यादा वोट मिले, इस बात की शिकायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से मामले की जांच करने के निर्देश दिए हैं। ईवीएम पर बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को, ये सच्चाई अब सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस भेजा है। केरल में ईवीएम की मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को ज्यादा वोट मिले। मॉक ड्रिल के दौरान बीजेपी को डाले गए वोट से ज्यादा वोट हासिल हुए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे ही ना जाने कितने ईवीएम होंगे जो मतदान के लिए अलग अलग बूथों पर लगाए जाएंगे। आप वोट तो कांग्रेस को देंगे, इंडिया के उम्मीदवारों को जीतने के लिए बटन दबाएंगे, लेकिन वोट मोदी जी को जाएगा। राजा की आत्मा ईवीएम में है। किस आधार पे कह रहे हैं कि ये 400 पार? या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं। ईवीएम को बैन करो। पिछले कई महीनों से कांग्रेस और इंडिया के कई नेता ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्ची के मिलान को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने न हमारी बात सुनी न मिलने का समय दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ईसी को नोटिस भेजा है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर मॉक ड्रिल में ईवीएम में बीजेपी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो ईवीएम से हुई वोटिंग पर विश्वास कैसे किया जा सकता है? अगर चुनावों में इस तरह की गड़बड़ी होती है तो जाहिर सी बात है विपक्ष के वोट बीजेपी को हासिल हो जाएंगे। असल में नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि जनता के मन में उनके लिए गुस्सा है और वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए अब वो ईवीएम हैक कर चुनाव जीतना चाहते हैं। लोकतंत्र, संविधान और आपके अधिकार को कुचलकर तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं।